वैल्यू ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, कितने हैं ये फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन है कितना, ये दोनों ही कितने हैं, इनकी वैल्यू कितनी है दोनों। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक्चुअली ये मास वास पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, नॉर्मल रिएक्शन, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन का मीनिंग क्या है, नॉर्मल रिएक्शन का मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केवल तब इफेक्टिव होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केवल तब इफेक्टिव है जबकि क्या कहना चाहिए, दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन, दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन, उनमें से दोनों ही मूव कर रही है या दोनों में से एक मूव कर रही है और एक रुकी हुई हो। तो अब नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, कांटेक्ट तो हो गई बॉडी, जब जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इफेक्ट देखते हैं, तो कांटेक्ट तो है, होना ही होना है, कांटेक्ट में तो बॉडी होनी होनी है। अब ध्यान से देखिएगा आप, ये एक बॉडी है जिसका मास है एम, एक सरफेस पर ये रखी हुई है, सरफेस पर रखी हुई है, तो इस सरफेस पर जब ये बॉडी रखी हुई है तो इस पर कितनी फोर्सेस काम कर रहे हैं, सबसे पहली तो एक फोर्स जो हमेशा सब पर काम करती है, वेट mg, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट के इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, वेट mg, ठीक है। अगर ये मेरी बुक है और टेबल पर रखी है तो फिर टेबल पे से नीचे तो गिर नहीं रही है, जबकि अर्थ तो लगातार इसे खींच रही है, नीचे तो गिर नहीं रही, नीचे क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि इसके ऊपर एक रिएक्शन, टेबल का रिएक्शन, इस टाइम mg वर्टिकली डाउनवर्ड और रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स है बॉडी पर, तो बॉडी की कंडीशन क्या है, इस टाइम इसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी इक्विलिब्रियम में है, जीरो है या कुछ भी है लेकिन इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ना तो ये वेट के इन्फ्लुएंस से डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही, ना रिएक्शन के इन्फ्लुएंस से, रिएक्शन के प्रभाव से ये इस टेबल से ऊपर उछल रही, अगर रिएक्शन बड़ा होगा तो ऊपर उछल जाएगी और अगर mg बड़ा होगा तो धस जाएगी, टेबल को तोड़ के नीचे गिर जाएगी, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ इस कंडीशन में जबकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो R और mg आपस में इक्वल है, R और mg इक्वल है, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर मैंने इसको यहां से किसी फोर्स से अप्लाई करके मैंने इसे खींचने की कोशिश करी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे का अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है। तो अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, चाहे वो काइनेटिक हो, स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस टाइम आर एम जी के इक्वल है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम जी, क्योंकि इस टाइम जरूरी नहीं है कि आर हमेशा mg के इक्वल हो, जरूरी नहीं है कि आर हमेशा mg के इक्वल हो, अभी देखेंगे वो आर mg के इक्वल कब नहीं होता। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, ये कब है, ये केवल तब है जबकि आपकी सरफेस क्या हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तब है ये कंडीशन। तो फिर अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा वाला, स्टैटिक, तो फिर हम इस प्रोपोर्शनलिटी हटाकर एक कांस्टेंट देंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा,
स्टैटिक इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, म्यू एस एम जी। और अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा, काइनेटिक, तो हम इसे लिखेंगे म्यू के एम जी। ये म्यू यहां एक कोफिशियंट है, म्यू इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये स्टैटिक फोर्स में है तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक में है तो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझिए बात, इस केस में तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी, म्यू एस एम जी, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एम जी, कब, जबकि आपका मोशन हॉरिजॉन्टल हो। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल नहीं होगा, एम जी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अभी देखते हैं उसको भी।